शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का होता है। इन 2 दिनों में नवरात्रि पर्व अपने चरम पर होता है, साथ ही बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा पूजा की जाती है। तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को की जाने वाली विशेष दुर्गा पूजा में कुछ सामग्री का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी माना जाता है, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। इन चीजों के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन स्थापित किए गए कलश को अष्टमी और नवमी की पूजा में शामिल जरूर करें। साथ ही नवरात्रि की कलश स्थापना के दिन जौ बोई जाती है और यह जौ माँ दुर्गा को जरूर अर्पित करें। दुर्गा पूजा में पंच पल्व का बड़ा महत्व है। ये पंच पल्व आम, पीपल, गुलर, अशोक और वट के पत्ते होते हैं और अष्टमी नवमी की पूजा में ही पंच पल्व को शामिल करना अति शुभ माना जाता है। अष्टमी की पूजा में माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति के पास दुर्गा बीसा या श्री यंत्र रखे तो जातक को धन वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी की पूजा में देवी दुर्गा को ध्वजा या पातका जरूर अर्पित करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी के बिना अधूरी है, इसलिए पूजा में ये दोनों चीजें जरूर अर्पित करें। दुर्गा पूजा या अष्टमी नवमी से पहले घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का वंदन वार जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में बरकत रहती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।